कर दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो मेहमान जुड़ा है जो आपको वो फैक्ट रखना चाहता है जो सूत्रों के हवाले से चार साल पहले काफी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। ये एक स्टूडेंट है उस स्कूल की, उस कॉलेज की, जिसको सूत्रों के हवाले से जिसके द्वारा मीडिया में काफी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। जानते हैं ग्रीमा कक्कर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रीमा जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। ग्रीमा जी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं मास्टर्स इन फार्मेसी असिस्टेंट प्रोफेसर। करंटली आप एज ए टीचर प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं। वेल एजुकेटेड हो मैम। हाँ जी। आपसे हम फैक्ट जानना चाहेंगे उस संस्था के लिए, आपके स्कूल कॉलेज के लिए। आपकी स्कूलिंग के बारे में बताइए मैम ऑडियंस को, क्या क्या, कहाँ से आपने स्कूलिंग स्टार्ट की? एक्चुअली मैंने गर्ल्स स्कूल शास्त्री नामजी गर्ल्स स्कूल से स्कूलिंग किया। बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे संस्कार, वहाँ पे रिस्पेक्ट करना हमें सिखाया जाता है, बड़ों की कदर करना, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। अपना हमारे गुरु जी हमें सिखाते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, अपने के लिए कैसे खड़े होना है, कैसे न्याय के लिए खड़े होना है, अन्याय सहन नहीं करना है, और हर समाज में जो भी बुराई है उनको कैसे निकाल सकते हैं, वो तरीका हमें सिखाया जाता है। कौन सी ईयर से आपने स्टार्ट किया वहाँ पर? मैंने सेवन्थ क्लास से। सेवन्थ क्लास से आपने स्टार्ट किया। आपके स्कूल में मैम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा आते थे? हाँ जी, हर साल एवरी ईयर। कैसा उनका वे ऑफ ट्रीट कैसे रहता था आप लोगों? बहुत अच्छा, जो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देते वो हमें उनसे मिलता था, इतना प्यार। माँ भी वही, बाप भी वही, जो चीज़ बाप बताता है कतराते वो पिताजी हमें सब कुछ बताते थे कि कैसे रहना बेटा, आपने आज की सोसाइटी कैसी है, आज के लड़के कैसे हैं, कैसे अपने आप को ब्रेव बनाना है, बोल्ड बनना है, ना कि दब के रहना है समाज में। ये हमें गुरु जी ने सिखाया। उनका करेक्टर कैसा है? बहुत करेक्टर की क्या बात है, वो तुम्हारे पापा जैसे, पापा का करेक्टर तो अच्छा ही होगा ना। मैम मीडिया में क्योंकि काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी, हॉस्टल में सुरंग को लेकर हो या आश्रम में माहौल को लेकर हो, आपको क्या लगता है? नहीं, सब कुछ फेक, सब कुछ झूठ, क्योंकि हम वहीं पे पढ़े, अगर होता तो फिर हमें भी लेके जाते ना। हमने तो 5 साल में वहाँ पे कुछ ऐसा देखा ही नहीं, कौन सा ऐसा कोना था, हमें भी दिखाओ जहाँ से ये चीज़ें होती थी, हमने नहीं देखा। कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं? नहीं, नेवर। जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या कहोगे? हम बिलीव ही नहीं करते। हम यहाँ पे 1994 से जुड़े हुए हैं, हमें तो आज तक कुछ ऐसा दिखा नहीं। हमारे पेरेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता तो हमारे पेरेंट्स पहले एक्शन लेते ना। वो तो हमें कहते कि डेरे में जाओ, गुरुजी का नाम लो, उनके संस्कारों पे चलो। हमें कभी ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं आज तक डेरे में। मैम फिर इस तरीके से क्यों एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं एक संत के ऊपर, क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर मतलब कोई अच्छाई कर रहा है, समाज को बदल रहा है, तो उसको तो रोका जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग उसको बिट्रे करते हैं क्योंकि उनकी कमाइयाँ ठप हो रही है ना, और पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। गुरु जी ने क्या अच्छे काम किए हैं समाज हित के लिए, क्या योगदान? गुरु जी ने सब जो किया सब कुछ अच्छा ही किया, कुछ बुरा किया ही नहीं है। मतलब उनके लिए इतने काम है, गिनवाते बैठ जाएंगे तो पूरी रात ही हो जाएगी। उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है। सबसे पहले उन्होंने लड़कियों को स्टैंड देना सिखाया कि लड़कियों को सर्वाइव करना सिखाया। जैसे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लड़का लड़की में, उन्होंने वो तोड़ा कि लड़का लड़की एक समान है, जैसे लड़का है वैसे ही लड़की की इज्जत होएगी, सब कुछ। इवन लड़कियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कम्पेयर टू द बॉयज। आश्रम में कैसा रहता है लड़कियों के साथ? आश्रम तो जन्नत है। कभी भी ऐसा आप समाज को क्या बताओगे, जो उनके माइंड में इमेज बनी हुई है मीडिया के द्वारा जो दिखाया गया था वही इमेज उनके माइंड में फिट है, आप अपने वीडियो के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद आओ, खुद उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखो, सुनने में और देखने में बिलीव करने से अच्छा कि खुद आके हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो, फिर आप जज कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। क्या जरूरत है मैम संत जी की सोसाइटी को, समाज को? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसके बिना तो दुनिया सर्वाइव ही नहीं करेगी। उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी का तो नहीं पता, पर हम पे तो बहुत पड़ रहा है, क्योंकि हम हर संडे यहाँ आते हैं, उनके वचन सुनते हैं, वो हमें सिखाते हैं हर चीज़ करना, कैसे आपको लिविंग सेल रखना चाहिए अपना, हर चीज़ वो हमें सिखाते हैं। तो उनके ना होने से तो हमें तो बहुत फर्क है, सोसाइटी का हमें इतना पता नहीं है, जो मतलब नहीं मानते हैं। क्या अपील करोगे सरकार से? हाँ जी, क्या अपील, क्या मांग करोगे सरकार? मैं ये कहूँगी कि जल्दी से जल्दी पिताजी को बाहर निकालें, नहीं तो ये जो कलयुग है ये इस लेवल तक पहुँच जाएगा कि रिश्ते खराब, सब कुछ, लाइफ सबकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब आते ही पहले इस सब चीज़ को मैनेज कर लें जी। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है असली सच,
ये है करारा जवाब उन लोगों को, उन मीडिया की उस सूत्रों के हवाले से दिखाई गई खबरों को जो हमारे साथ गरिमा जी शेयर कर रही हैं। ये खुद हॉस्टल में रही हैं, वहाँ पर स्कूल में पढ़ी हैं, इतने लंबे समय से पढ़ी हैं। इनका कहना है कि सब झूठा दिखाया गया, झूठे एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप भी सोचिए आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।